हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, मैं अभी आ चुका हूं सराय काले खां। और सराय काले खां में आपको बता दूं दोस्तों कि देखो, एक तो ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। तो ये रैंप बनाने का काम चल रहा है, आगे ये पिलर बनाए जा रहे हैं। तो देखो, ये मशीन खड़ी हुई है, पाइलिंग मशीन सामने देख सकते हो। और मेरा जैसे ही रोड को क्रॉस करेंगे वैसे ही दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का जो आपको बता दूं रैपिड रेल चलाई जानी है वो यहीं से चलाई जानी है। वो देख सकते हो सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। दोस्तों देखो, अभी सेटरिंग भी लगी हुई है, इधर भी बनाए जा रहे हैं, ये देख सकते हो तस्वीरें। और ये है बेस्ट ऑफ वंडर पार्क, तो आधा बेस्ट ऑफ वंडर पार्क के अंदर आ चुका है ये सराय काले खां का स्टेशन RRTS का। दोस्तों, और जो यहाँ पर कंपनी काम कर रही है वो है एफकॉन्स द्वारा यहाँ पर इस स्टेशन को बनाया जा रहा है सराय काले खां का। दोस्तों तो देख सकते हो तस्वीरें, एक वो पाइलिंग मशीन खड़ी हुई है, वहाँ पर भी दो पिलर को कनेक्ट कर दिया जा चुका है। उधर देख सकते हो, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये दो पिलर यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये नज़ारे हैं यहाँ के, देख सकते हो तस्वीरें। और चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के हैं दोनों चीज़ें। तो इधर तो आपको बता दूँ ये रैंप बनाने का काम है वो तो कर लिया जा चुका है, मतलब ज़्यादा काम नहीं बचा इस रैंप में, बस इसकी ये साइड वॉल बनाई जानी है। साइड वॉल बन जाने के बाद में फिर ये रैंप बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उधर देखो वो पिलर बनाए जा रहे हैं, कुछ पिलर पे तो पिलर बनाए जा रहे हैं, कुछ पे आपको बता दूँ पियर कैप का काम किया जा रहा है। तो देख सकते हो जो पाइल करके ज़मीन के अंदर और ये वाले रिंग डाले जाते हैं, ये देख सकते हो तस्वीरें, कुछ ये सीन है, ये रिंग जाले डाले जाते हैं ज़मीन के अंदर गई, कुछ ये डाले जाते हैं। और आगे दिखाते हैं, देख सकते हो ये मशीन पाइल कर रही है, और पाइल किस तरीके से करती है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो आपको दिखाता हूँ, आपको बता दूँ यहाँ पर इसमें कॉन्क्रीट भरा जा रहा है नीचे, जो पाइल करके डाला जाता है नीचे की साइड में, तो वही यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखो आप लोगों को दिखाते हैं इस साइड का, तो किस तरीके से यहाँ पर पाइल किया जाता है वो आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से। देखो ये सारे ट्रक आ रहे हैं और इसमें कंक्रीट भरा जा रहा है पाइल के अंदर। दोस्तों कुछ ये सीन है, देख सकते हो यहाँ पर बस ये लास्ट पिलर बचा हुआ है, वो पिलर बन गया है। और उधर देखो उस साइड में, अब आपको बता दूँ कि जो पियर कैप का काम है वो किया जा रहा है उन पिलरों पर, वो पहले ही बना दिए जा चुके थे, बस ये पिलर बनाया गया है और इस पर कंक्रीट अब डाला जा रहा है नीचे ज़मीन के, फिर इसका फाउंडेशन बनाया जाएगा। फाउंडेशन बना के जैसा वो पिलर खड़ा किया गया है वैसे ही इसको कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। नज़ारे देख सकते हो कुछ ऐसे हैं, ये देखो ये भरा जा रहा है कंक्रीट इसके अंदर, तो यही सीन है। और उधर तो RRTS का बनाया जा रहा है पल्ली साइड में, तो चलते हैं अब आपको आगे दिखाते हैं चल के दोस्तों। तो यही है सीन, कंक्रीट भरा जा रहा है इसमें, एक ट्रक वो खड़ा हुआ है, एक ट्रक ये है, तो इस ट्रक ने इसमें भर दिया कंक्रीट और ये डाला जाता है नीचे, फिर इसे भर के काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हो कुछ ऐसा नज़ारा है, अब चलते हैं आपको दिखाते हैं उधर का भी रिंग, देख सकते हो कितने चौड़े चौड़े, कितने भारी भरकम ये बीम होते हैं जो नीचे ज़मीन में डाले जाते हैं रिंग। दोस्तों देखो कुछ ऐसे हैं, ये देख सकते हो तस्वीरें। और आपको बता दूं कि ये रास्ता सीधा एक तो गाज़ियाबाद के लिए चला जाता है और बिल्कुल सीधा राजघाट के लिए चला जाता है, यानी कि प्रगति मैदान होते हुए और ये ITO होते हुए सीधा निकल जाएगा दिल्ली में। तस्वीरें देख सकते हो, वो इस पर लिखा हुआ भी है। तो हम राइट हो जाएंगे आनंद विहार गाज़ियाबाद के लिए, और अगर सीधे जाते हैं तो राजघाट और ITO के लिए होते हुए सीधे निकल जाएंगे दोस्तों। तो कुछ यही सीन है यहाँ का सराय काले खां का। और आपको बता दूँ कि जो 12 पुल्ला फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसका कंस्ट्रक्शन का सामान वो उधर रखा हुआ है, देख सकते हो वो उधर रखा हुआ है उस साइड में, तो ज़्यादा यहाँ से चमकेगा नहीं, वो कंस्ट्रक्शन का सामान ही है। कि बीच में ये मेट्रो आ गई है ना पिंक लाइन, तो इस वजह से उसको शिफ्ट इधर कर दिया जा चुका था, क्योंकि ये सारा पार्क बनाया हुआ है इन्होंने, तो देखो कुछ वो रखे हुए हैं वहाँ पे, जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। कुछ ये है यहाँ का,
जो बारापुल्ला में बनाया जा रहा वो है सामान सारा। ये सारे में ये गाटर रखे हुए हैं, देख सकते हो ये गाटर, और ये गाटर दोस्तों इसी पर रखे जाएंगे इस फ्लाईओवर को जो बनाया जा रहा है। इस साइड का दोस्तों ये वाला रैंप है देखो, फिर दूसरी साइड का भी ये रैंप बना लिया जा चुका है। इधर देखो इन्होंने ये पैराफिट, इस पर पैराफिट वॉल लगा दिए जाएंगे। इधर पब्लिक के जो पैदल चलने वाली पब्लिक है उसके लिए भी किया जा रहा है, और इधर देखो RRTS रैपिड रेल चलाई जाएगी। तो उसके अभी तराई काले खाम में ये देख सकते हो पिलर बनाए जा रहे हैं, जो कि फाउंडेशन का काम पहले कर लिया जा चुका था, पिलर फाउंडेशन पहले ही बना लिया जा चुका था। दोस्तों देखो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के, ऐसा है ये देख सकते हो, वो अभी काफ़ी लंबा चौड़ा है, ऐसे घूमते हुए ये DND पे निकलेगा जाके दोस्तों। तो इधर तो ये पिलर अभी भरे जा रहे हैं, देख सकते हो ये कॉन्कोर्स लेवल को बनाने के लिए पहले कर दिए थे, अब ये दूसरा देखो इधर ये पिलर कनेक्ट किए जा रहे हैं, इधर भी किए जा रहे हैं, और इधर देख सकते हो ये गाटर लॉन्चिंग भी कर दी गई है इन्होंने, और फ्लोरिंग का काम भी अब स्टार्ट हो चुका है। तो देखो किस तरीके से ये क्रेन मशीन काम करती है वो भी आप लोग देख सकते हो। कुछ ये सीन है यहाँ का दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो ये बनाया जा रहा है फ्लाईओवर, चलो मैं आप लोगों को वहाँ तक दिखा देता हूँ, बना चलते हैं वहाँ तक। तो देख सकते हो इसमें जो रोरी बजरी की लेयर है उसको बिछा दिया जा चुका है देखो इधर, और इधर इन्होंने कंक्रीट कर दी है जो साइड वॉल बना के, बस ये कंप्लीट हो गया, अब इसमें पैराफिट वॉल लगाए जाने हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है सराय काले खामा RRTS का स्टेशन रैपिड रेल का दोस्तों, जो कि मार्च में 17 किलोमीटर के पार्ट में प्रियोरिटी सेक्शन खोल दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन अभी मार्च में डेट फाइनल नहीं हुई है, और जैसे ही डेट आ जाती है मैं आप लोगों को उसका वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस KP संत के चैनल पर देखते रहो, KP संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पहले यहाँ का आप लोगों को अपडेट दिया था उसके मुताबिक बहुत सारा यहाँ पर काम हो चुका है इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए, क्योंकि ये सिंगल फ्लाईओवर है तो इसको अब डबल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैम बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो देख सकते हो जितने भी ये पिलर बना दिए हैं पियर, उन पे पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये पियर कैप सारे में बनाए जा रहे हैं, उधर एक पिलर बचा था उस पर कॉन्क्रीट नीचे भरा जा रहा है, यानी कि जो पाइल करके और उसमें नीचे भरा जा रहा है दोस्तों। तो इस पर भी देख सकते हो ये सेटरिंग लगा दी है इन्होंने, इस पर भी बनाया जाएगा पियर कैप का काम किया जाएगा, इस पर पियर कैप अब बनाए जा रहे हैं, देख सकते हो तस्वीरें। तो आपको बता दूं जो RRTS के स्टेशन बनाया जा रहा था सराय काले खां में, उसके भी पियर कैप बनाए जा रहे हैं तेज़ी के साथ में, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये सारे में सेटरिंग लगी हुई है, और इन्होंने सरियाओं का जाल बना के, और ये देख सकते हो सारे पियर कैप बना दिए इन्होंने, ये देख सकते हैं इधर, तो ये गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है
तो इस पर दो ही फ्लोर रहेंगे, एक तो कॉन्कोस्ट लेवल का है, दूसरा प्लेटफॉर्म लेवल का रहेगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्टेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 4-5 लाइन गुजारी जाएंगी दोस्तों। एक तो सोनीपत पानीपत के लिए जाएगी, दूसरी अलवर के लिए जाएगी, तीसरी आपकी इधर फरीदाबाद यानी कि पलवल के लिए जाएगी दोस्तों, और चौथी तो ये आपको पता ही है, ये मेरठ के लिए जा रही है दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही स्लो डाउन बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्लो डाउन रहता है, क्योंकि सिंगल ये फ्लाईओवर है इस वजह से। तो अब ये डबल फ्लाईओवर बन जाएगा, तो इतना जाम जूम से यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा, और पब्लिक को बहुत ज़्यादा फंसना पड़ता है। कि सबसे ज़्यादा जो हमारे गाज़ियाबाद की जितनी भी पब्लिक है वो सब दिल्ली नोएडा में ही जॉब करती है, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता है दोस्तों। देख सकते हो कितना स्लो डाउन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और हम चलते हैं आगे, और आगे भी दिखाएंगे किस तरीके से ये, उस पर भी अभी क्या नाम है, बारापुल्ला फ्लाईओवर को भी ये RRTS क्रॉस कर रही है, तो उधर भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, तो उधर का भी आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और मैंने दूसरा भी चैनल बनाया है, उस पर आप लोगों को जो घूमने फिरने वाली हैं, जो जगहें घूमने फिरने वाली हैं, देखने वाली हैं, उन जगहों के अपडेट्स आप लोगों को अब मिलने स्टार्ट कर दूँगा मैं दूसरे चैनल पर। तो अभी मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ मैं गया था वहाँ की मैंने डाली नहीं है। जिस दिन मैं निकलना स्टार्ट कर दूंगा घर से बाहर, उस दिन के बाद में आप लोगों को डेली अपडेट वहां का देखने के लिए मिलेगा नई नई जगहों के दोस्तों। यह है दोस्तों भराई काले खां का RRTS का स्टेशन जो बनाया जा रहा है, देख सकते हो सारे पिलर बन के कंप्लीट कर लिए जा चुके हैं दोस्तों। अब इन पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, जो पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है देख सकते हो, और इधर ये ऐसे घूम जाएगी इस साइड में दोस्तों, ठीक है, ये बारापुल्ला होते हुए ऊपर निकल जाएगी ये देखो, और स्टेशन वो चमक रहा है वहाँ पे, वो देख सकते हो तस्वीरें, वो स्टेशन चमक रहा है वहाँ पे। तो कुछ ये है नज़ारे यहाँ के, ये अब चलते हैं आप लोगों को आगे का नज़ारा दिखाते हैं चल के।
gonna burn.